Hi all, welcome back. Welcome to the new video of Navigator. This is Purvesha. Today we will see the most important hotel and tourism GK. This is a specific GK which will be useful for those students who will be appearing for NCHM CT JEE entrance examinations. This is one of the most important examination to get admission into the premier hotel management institutes, and you would notice that there will be hardly any specific GK questions which will be available for this. Static GK will be available in a lot. Agar aap search karoge to bahut sari jagah par aapko history, geography ya to polity ya to economics related GK aaram se mil jata hai bahut sari exams ke liye. But hotel management, hotel and tourism related GK kahin nahi milta hai. This is the specific GK which we always used to teach to our students. Just for the information, year on year basis, from the last 11 years we are into this hotel management entrance preparation, and more than 90% of our students are actually being placed with the topmost hotel management institutes. So kaise jaate hain hum log unko kuch alag sa preparation, kuch alag material unke liye banate honge. To aaj first time aisa kuch jo hai main aap sabke saath share kar raha hun. This is the GK which is specific to the only hotel and tourism industry, and in two parts I will try to cover the most of the things. Most of the information given in this is also on the updated form. So let's start with the GK. So sabse pehla jo important question hai wo ye hai ki honorable minister of tourism in India jo hai wo kaun hai, correct hai na? अगर हम लोग होटल टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये तो पता होनी चाहिए कि ये कौन है. तो कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल है ना. वो क्या है? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड ही टेक्स केयर ऑफ द टूरिज्म मिनिस्ट्री इन इंडिया. फिर आपने सबने सुना होगा आईटीडीसी. आईटीडीसी है, आईटीडीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना. आईटीडीसी का फुल फॉर्म जो है तो एक्रोनियम के हिसाब से भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आईटीडीसी क्या है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. जो अशोका होटल्स है ना, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में अशोका होटल्स है, जो अशोका होटल्स है उनको भी मैनेज और रन जो है वो आईटीडीसी ही करता है. वो आईटीडीसी के चेयरमैन या तो चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन है श्री कमला वर्धन राव. तो श्री कमलावर्धन राव जो है वो इसके चेयरपर्सन है. किसके? आईटीडीसी के, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. या तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईटीडीसी कौन सा होटल चेन रन करता है. चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको अशोका वाला जो है वो आंसर टिक करना होता है ना. आईटीडीसी जो है वो ज्यादातर टूरिज्म रिलेटेड सारे डिसीजन इंडिया में, या तो टूरिज्म डेवलपमेंट रिलेटेड ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं वो आईटीडीसी के थ्रू ही मैनेज होते हैं. इट इज ऑल्सो द लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी बाय शेयर्स है ना. तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी भी है आईटीडीसी, करेक्ट. कब ये सेटअप हुआ था? तो इट वॉज सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 1966. तब से ये अभी तक चल रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन या तो इंफॉर्मेशन. नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया इन ईयर 2018. ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा जो है हमारे पास 2018 तक का ही है. 2019 का डेटा नॉर्मली 20 में पब्लिश होता है, बट दैट इज नॉट बीन हैपन एज ऑफ नाउ. तो कितने? 10.56 मिलियन टूरिस्ट जो है ना हर साल फॉरेन से इंडिया घूमने आते हैं. इसमें खाली टूरिस्ट मतलब लेजर टूरिज्म नहीं होता है, इसमें कल्चरल हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल टूरिज्म हो सकता है, इसमें बिजनेस टूरिस्ट हो सकते हैं. सो इट इंक्लूड्स ऑल. कुल मिलाकर 10.56 मिलियन है ना. या तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1,05,06,000,
1 करोड़ 5,06,000 भी बोल सकता हूँ। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इंडिया जो है, इंडिया का शेयर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में कितना है? तो इंडिया शेयर और कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1.24%, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा शेयर यहाँ पर किसका है, हम लोग अभी ये आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, मैं उसके ऊपर जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडियाज रैंक, कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड टूरिस्ट अराइवल इज वॉट? तो इंडिया इज रैंक्ड एट 25th इन दी ये वर्ल्ड, जहां पर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल होता है ना। अब यहाँ पर हमने ये बात करी, इंडिया का शेयर कितना है, 1.24 है, और इंडिया 25th रैंक पर है, तो वर्ल्ड में कौन होगा सबसे ज्यादा? एनी गेसेस एनीवन? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बिफोर दे लिसन टू माय आंसर, एनी गेसेस एनीबडी? तो नंबर वन जो है दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस आते ही आपको पता चल गया होगा, मतलब सिटी कौन सा होगा, इट इज पेरिस। तो हम लोग इससे ये भी समझ सकते हैं ना, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है, पेरिस है। और क्या देखने जाते होंगे अगर पेरिस है तो? सीधी सी बात है, एफिल टावर। तो एफिल टावर इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट विच पीपल विजिट वर्ल्ड ओवर, एंड दिस इज देयर फ्रॉम द ईयर्स, है ना। ज्यादा लोगों को लगता है चाइना जाते होंगे ना, यूएस जाते होंगे, ऐसा नहीं है, दुबई जाते होंगे, इट इज एक्चुअली दी फ्रांस एंड दी पेरिस। फ्रांस के बाद सेकंड स्पॉट पर जो कंट्री है जहां पर सेकंड हाईएस्ट टूरिस्ट विजिटर्स जाते हैं, दैट इज स्पेन। स्पेन इज दी सेकंड हाईएस्ट, है ना। एंड सेम सरप्राइजेज आर हियर ऑल्सो, टॉप 3 स्टेट्स विद द डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल, है ना। मतलब कोई गुजरात से दिल्ली घूमने जाता है, कोई दिल्ली से कर्नाटका घूमने जाता है, वो कोई कर्नाटका से महाराष्ट्र घूमने जाता है, तो उस हिसाब से टॉप 3 स्टेट्स इंडिया के कौन से है? तो यूपी फर्स्ट नहीं है, आगरा की वजह से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं यूपी फर्स्ट होगा। अगर यूपी नहीं आया तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन होगा केरला, केरला जिसको गॉड्स गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है, या तो सबके सबको लगेगा इट इज गोवा, है ना, सनी एंड सैंडी बीचेस, बट दोनों में से एक भी नहीं है। दी हाई टॉप इज तमिलनाडु, तमिलनाडु इज दी तमिलनाडु इज एट दी फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं पहले रैंक पर, दूसरा यूपी है, एंड देन थर्ड इज कर्नाटका। तमिलनाडु एंड कर्नाटका में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस टूरिस्ट भी जाते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम बीइंग दी आईटी हब्स, है ना। चेन्नई इज ऑल्सो आईटी हब, एंड कर्नाटका बेंगलुरु इज ऑल्सो दी आईटी हब, प्लस दे हैव अदर वंडरफुल प्लेसेस टू विजिट, बोथ आर हाईली टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट्स, करेक्ट। एंड नॉट टू फॉरगेट यूपी हैज दी आगरा, है ना, जहाँ पर ताज है, सबके प्यार की एक ऐसी निशानी जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती। चलिए अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो नेशनल टूरिज्म अवार्ड होते हैं। दिस इज बिन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अवार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज ये वो सब दिया करते हैं, बट उन सबको इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देती है नेशनल टूरिज्म अवार्ड तो इसको इम्पोर्टेंस होता है। 2019 में सितंबर मंथ में इन लोगों ने अवार्ड दिए, ये प्रैक्टिकली 18 के लिए थे, ऑब्वियसली पिछले साल के लिए देंगे देंगे हम लोग, है ना, 19 के अभी 20 एंड में आएंगे। तो अब ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, उसमें कौन कौन जीता हम लोग अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है मोस्ट एक्टिव एंड क्रिएटिव टूरिज्म बोर्ड ऑफ कंट्री, तो वो कौन सा टूरिज्म बोर्ड है? हर एक स्टेट का अपना अपना एक टूरिज्म बोर्ड होता है, करेक्ट। तो इट इज एमपी टूरिज्म बोर्ड, है ना। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है वो उनका एड ऐसा बताता है ना कि इंडिया का दिल है, करेक्ट। क्या बताता है? एट इंडिया का दिल है। तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए,
कभी कभार टैगलाइन आ जाएगी दैट विच स्टेट्स टूरिज्म बोर्ड एडवर्टाइजमेंट सेज इंडिया का दिल। अब आपको चार ऑप्शन दे देंगे, यूपी, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ऐसे। तो वो आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए कि एमपी आंसर में आएगा। देन दी बेस्ट हेरिटेज सिटीज अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये भी एमपी में ही है ना? क्या है? और अच्छा, फिर बेस्ट एयरपोर्ट और दी मोस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एयरपोर्ट, आप जैसे भी इसको लो, इट इज टू एवरी वन सरप्राइज। नॉर्मली सब कोई सोचता है कि क्या होगा, मुंबई होगा या तो दिल्ली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज इंदौर, है ना? सो एमपी इज डोमिनेटिंग एक्चुअली। फिर दी क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ भारत के बाद ये क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिलना चालू हुआ है, ये भी किसको मिला? ये भी नो सरप्राइजेस हियर आल्सो, इट इज आल्सो इंदौर। फिर बताया ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म सेक्टर, ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म सेक्टर जो है ये किसको मिला? तो ये एपी को मिला, आंध्र प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, है ना? आंध्र प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। फिर है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट, इंडिया का बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट का अवार्ड किसको मिला? तो ये दो स्टेट के बीच में बांटा गया है अवार्ड, उसमें से एक गोवा है और दूसरा अगेन लाइक नो सरप्राइजेस एमपी है। फिर ये दो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट 5 स्टार डीलक्स होटल, तो बेस्ट 5 स्टार डीलक्स होटल पैन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल टूरिज्म अवार्ड इज द अवार्ड इज गिवन टू, द अवार्ड इज गिवन टू रामबाग पैलेस होटल। ये कहां पर आया रामबाग पैलेस होटल? जयपुर में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले ऑलमोस्ट 4 साल के पेपर लोगे तो 2 से 3 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। या तो बड़ा फेमस होटल दे देंगे या तो बेस्ट होटल का अवार्ड किसको मिला पूछ लेंगे, फिर बेस्ट 3 स्टार होटल का अवार्ड किसको मिला? तो इट वाज एक्सप्रेस इन नासिक, है ना? होटल एक्सप्रेस इन नासिक रिसीव दिए बेस्ट 3 स्टार होटल्स अवार्ड, एंड बेस्ट 5 स्टार डीलक्स होटल्स अवार्ड इज रामबाग पैलेस होटल जयपुर को मिला। समझ रहे हैं बच्चे मेरे साथ? आई होप ये आपको कुछ इंफॉर्मेटिव है, कुछ नया है, और ये जी के आपको ऐड करेगा, एंड दिस जी के इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू गेटिंग गुड स्कोर इन दी IIHM, JEE, NCHM, CT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ दिस आर अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिज्म ट्रेन्स। सी कुछ टूरिस्ट ट्रेन्स चलते हैं, है ना? नॉर्मल नहीं, मतलब जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे जो खाली ये टूरिज्म सर्किट के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो ये ट्रेन रिलेटेड भी नॉर्मली एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से सिटीज में जाता है या कहाँ से जाता है। तो सबसे कुछ फेमस ट्रेन्स लिए हुए हैं यहाँ पर हमने। सबसे पहला द मोस्ट फेमस इज पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट एज फार एज द लग्जरी टूरिज्म ट्रेन्स इज कंसर्न इन द वर्ल्ड। यस, आई एम सीइंग द वर्ल्ड। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1982। और कहाँ पर जाता है ये? तो ज्यादातर केसेस में ये पूरा राजस्थान कवर करता है ना? ऑल मेजर डेस्टिनेशन, जयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, जैसलमेर जाता है, इवन चित्तौड़गढ़ जाता है, फिर उदयपुर जाता है, आगरा जाता है। कहाँ से चलता है? दिल्ली से चलता है, जिसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल सर्किट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल सर्किट भी बोलते हैं। हाँ, ये मैंने आगे लिखा हुआ भी है, गोल्डन ट्रायंगल सर्किट क्या होता है। कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, विच अमंग दी फॉलोइंग फोर इज नॉट पार्ट, फॉलोइंग वन इज नॉट पार्ट ऑफ दी गोल्डन ट्रायंगल। फिर आपको चार ऑप्शन होंगे, एक दिल्ली लिखा होगा, आगरा लिखा होगा, जयपुर लिखा होगा, उदयपुर लिखा होगा, या तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, अमृतसर। तो आपको पता होना चाहिए अमृतसर नहीं आएगा, तो या तो उदयपुर नहीं आएगा। गोल्डन ट्रायंगल वाला जो सर्किट है उसमें दिल्ली, आगरा एंड जयपुर होते हैं।
तो पैलेसोन व्हील जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कवर करता है, दिल्ली से स्टार्ट होती है, राजस्थान घूम के आगरा जाती है और लास्ट में वापस दिल्ली छोड़ती है ट्रेन। देन विलेज ऑन व्हील्स, विलेज ऑन व्हील्स क्या होता है, पैलेस ऑन व्हील्स में अगर आपको घूमना है सो वो दी फीज और दी सी दिस इज ऑल्सो टू अर्न दी फॉरेन एक्सचेंज, तो इसमें टिकट का प्राइस परचेजिंग जो होता है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, रुपीज में टिकट नहीं अवेलेबल है इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं, विलेज ऑन व्हील्स है ना, विलेज ऑन व्हील्स कहाँ पर चलता है, तो विलेज ऑन व्हील्स इज नॉट एज लग्जरी कॉन्सेप्ट एज द पैलेस ऑन व्हील्स, बट दिस इज टू टेक यू टू दी रूट्स ऑफ द नेशन, जहाँ पर जो इंडिया गाँव में बसता है वहाँ पर ले जाता है आपको। चार अलग अलग रूट से चलता है, ज्यादातर ये पटना से स्टार्ट होती है इसलिए बिहार कवर करती है, फिर कुछ रूट्स में यूपी इंक्लूडेड है उसके साथ, कहीं कहीं पर वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश इंक्लूडेड है। ये 2004 29 नवंबर से चल रहा है। देन डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी के ऊपर क्वेश्चन ये लोग एनसीएचएम के प्रीवियस पेपर में पूछ चुके हैं कुछ सालों पहले। 2004 16 जनवरी से ये चल रहा है। एज दी नेम सेज डेक्कन, तो ये चलता कहाँ से है, महाराष्ट्र, एक्चुअली मुंबई से चलता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से, और फिर वहाँ से ये गोवा जाता है और गोवा से फिर ये दिल्ली, ऑन रूट टू दिल्ली राजस्थान घुमा के जाता है, मतलब उदयपुर घुमाएगा, जयपुर घुमाएगा एंड अदर मेजर लोकेशंस इन दी राजस्थान ये टूर करवाता है। देन गोल्डन चैरियट, गोल्डन चैरियट जो ट्रेन का नाम है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन एंड विच इज मेड टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल लग्जरी ट्रेन्स। नाम कैसे पड़ा गोल्डन चैरियट का, तो स्टोन चैरियट जो है कहाँ पर है वो स्टोन चैरियट, गॉड विट्ठल टेम्पल विच इज एट दी हम्पी है ना। हम्पी क्या है, हम्पी जो है वो एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट है विच इज इन कर्नाटका है ना, वो जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था वो विजयनगर साम्राज्य का हम्पी जो है दैट वाज दी मेन स्पॉट। तो यहाँ पर अभी वो हम्पी के जो विट्ठल टेम्पल का स्टोन चैरियट है उसके ऊपर से गोल्डन चैरियट नाम पड़ा है ट्रेन का, और ये कर्नाटका के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स एंड दी गोवा दो जगह पर टूरिस्ट को घुमाने ले जाता है। नेक्स्ट फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो है इट इज स्टिल ऑपरेटेड बाय दी लोकोमोटिव इंजन। सी अब नए जितने भी ट्रेन्स है सब में कैसे इंजन आ गए हैं, डीजल चलता है, कोल चलता है, क्या चलता है, इलेक्ट्रिक होते हैं ना सारे, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। फेरी क्वीन ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज वर्ल्ड, इट इज स्टिल अ लोकोमोटिव इंजिन और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है, वर्ल्ड के सबसे पुराने लोकोमोटिव का जो अभी भी ऑपरेशनल है ना। सो इट इज अ विंटेज टूर प्रैक्टिकली। और कहाँ से चलती है फेरी क्वीन, दिल्ली से चलती है और अलवर लेके जाती है। अलवर क्यों लेके जाती है, अलवर के पास सरिस्का, अलवर के पास सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर फिर ये टूरिस्ट को छोड़ती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट, नेक्स्ट जो ट्रेन है वो स्पिरिचुअल टूर करवाता है और जो बुद्धिस्ट सर्किट है इंडिया में वहां पर लेकर जाता है। क्या नाम है, महा पर निर्वाण, तो महा पर निर्वाण एक्सप्रेस जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट पर घुमाता है और जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है वहां पर ये लेके जाता है। सबसे पहले ये जहाँ भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है वहां से स्टार्ट होता है ना। तो भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है, इट इज लुम्बिनी, करेक्ट है ना।
उसके बाद जहां इनको एनलाइटमेंट हुआ था, एनलाइटमेंट समझते हो, जहां पर सी बुद्ध जो थे वो एक्चुअली सिद्धार्थ थे, है ना, ही वॉज दी प्रिंस। और फिर वहां से एक एनलाइटमेंट हुआ जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो एनलाइटमेंट के बाद ही बिकेम दी गॉड बुद्ध। तो वो एनलाइटमेंट उनको कहाँ पर हुआ था, है ना, एक पेड़ के नीचे हुआ था, कौन से जगह पर, बोध गया में, है ना। सो जिसको बोधि ट्री भी बोला जाता है, वो बोध गया, बोधि ट्री, तो फिर बोध गया जाता है, वहां से वाराणसी चलता है, वाराणसी जहाँ पर बुद्ध भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रीचिंग किया था, है ना, जो संदेश देते हैं दुनिया को। एंड देन मेनली उनका जो प्रीचिंग था वो किस चीज के ऊपर था, इट वॉज टूवर्ड्स दी पीस, करेक्ट। और फिर क्या था लास्ट में, जहां पर उनका निर्वाण हुआ, है ना, जो गॉड होते हैं, गॉड उनका डेथ नहीं होता, उनका निर्वाण होता है, अ कॉमन मैन लाइक मी। तो या तो कोई और कॉमन मैन, इनके लिए हम लोग डेथ वर्ड यूज करेंगे, बट व्हेन इट इज गॉड, गॉड का डेथ नहीं होता, गॉड के लिए निर्वाण होता है ना। तो वो कहाँ पर हुआ था, इट वॉज एट दी कुशीनगर। तो सबसे लास्ट में फिर ये कुशीनगर जाता है। तो ये चार सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन कवर करता है बौद्ध सर्किट के। लुम्बिनी से स्टार्ट होता है, लुम्बिनी से ये बौद्ध गया जाता है, बौद्ध गया से फिर वाराणसी जाता है, और वाराणसी से फिर कुशीनगर जाता है। नॉर्मली ये जो मैंने आपको ट्रेन्स बताए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, कहाँ से हमने स्टार्टिंग करा, हम लोगों ने पैलेस ऑन व्हील्स से स्टार्ट करा, फिर विलेज ऑन व्हील्स आया, फिर डेक्कन ओडिसी आया, फिर गोल्डन चैरियट आया, फिर फेरी क्वीन एंड महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। इनमें से किसी एक के ऊपर तो एटलीस्ट क्वेश्चन ये लोग एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, करेक्ट। तो ये या आप याद रखोगे बच्चे, जो भी एग्जाम में अपियर करने वाले हैं। नाउ मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशन जो टूरिज्म इंडस्ट्री से एप्लीकेबल होते हैं ज्यादातर केसेस में, इन सब के एक्रोनियम्स जो है ना, वो एक्रोनियम्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो IATO है। व्हाट इज IATO? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। इट इज दी एपेक्स बॉडी, मतलब जो एपेक्स क्या होता है, विच इज दी हाइएस्ट बॉडी ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री विच ऑपरेट्स विद इन द इंडिया, विद इन द नेशन, है ना। और कब चालू हुआ था, वेन वॉज इट फाउंडेड, इट वॉज फाउंडेड ऑन 13th जनवरी 1982। खाली 7 लोगों ने, 7 मेंबर थे, जो धीरे धीरे बढ़ के 4,000, एक्चुअली नाउ दिस फिगर इज मोर देन 4,000। और ऑलमोस्ट सारी टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी है ना, ट्रैवल एजेंट होते हैं, होटल्स होती है, एयरलाइंस होती है, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, एयरलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारे जो है वो ने इसके एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं। जितने भी प्रेस्टीजियस है वो सारे इसके मेंबर्स रहते हैं। फिर है TAAI। TAAI जो है वो क्या होता है, इट इज दी एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना। टी क्या है, तो दी एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भी ट्रैवल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन सब का एक एसोसिएशन है, जो लोग ट्रैवल रिलेटेड एसोसिएशन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। आप काफी बार अगर कहीं पर होटल बुकिंग या कहीं करवाने जाते हो, या तो आप किसी एक टूर ऑपरेटर के पास जाते हो, कोई एक बड़ा वाला है या अच्छा वाला, तो पता है ऐसा लिखा होगा मेंबर ऑफ IATO, मेंबर ऑफ TAAI। तो दिस आर दी एसोसिएशन, और जो लोग इसके एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं वहां पर एक क्रेडिबिलिटी होती है। अब फिर है IITTM। तो IITTM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कंट्री में। क्या ऑफर करता है ये, जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ऑफर करता है
towards the tourism, travel, and the allied sector, matlab hotels and so. Aur fir hai Federation of Hotel and Restaurant Association of India, FHRAI. Zyadatar ye apex body jo hai, wo hotel and the restaurants ke liye hai. So, ye aapko char naam yaad rakhe jane hai, particularly acronym ke liye. FHRAI kya hai? Fir aapko char option de denge. Usme se ye, you are supposed to pick the right one. Next, main ab yahan par sabse important channels ka list leke aaya hoon, which are more like a lifestyle channels. Lifestyle channel matlab jahan par tourism ya to travels ya to cooking sikhaya jata hai ya to aapko usi ke related aur sari information di jati hai, hai na? To kahin par ghoomne jana hai, kahin par travel, celebrity lives, to ye sari cooking, cookery shows. तो इन रिलेटेड जो स्पेशल चैनल से अब हम लोग उसकी बात करते हैं तो Z एंटरटेनमेंट कौन सा चैनल जो है वो ओन या तो ऑपरेट करता है तो Z एंटरटेनमेंट जो है वो खाना खजाना है ना ज्यादातर को ये लगता है कि खाना खजाना संजीव कपूर का है ना खाना खजाना इज नॉट ओन बाय संजीव कपूर इट इज एक्चुअली ओन बाय द Z एंटरटेनमेंट संजीव कपूर जो है वो फूड चैनल ओन करते हैं करेक्ट संजीव कपूर जो है वो वंडर शेफ ब्रांड भी ओन करते हैं ही आल्सो ओन्स अ ब्रांड नेम वंडर शेफ है ना वंडर शेफ के बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स पैंस मिक्सर ग्राइंडर ग्रिलिंग मशीन्स एंड बहुत सारी चीजें आती है और फिर सैंडविच मेकर्स एंड लॉट ऑफ स्टफ फिर एनडीटीवी NDTV क्या है न्यू दिल्ली टेलीविजन तो न्यू दिल्ली टेलीविजन या तो NDTV जो है वो क्या ओन करता है ये NDTV गुड टाइम्स ओन करता है NDTV गुड टाइम्स फिर डिस्कवरी चैनल्स का क्या है तो TLC जो है ना ट्रैवल एंड लिविंग TLC डिस्कवरी चैनल का है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी का भी एक चैनल है क्या जिसका नाम है ट्रैवल एक्सपी तो ट्रैवल एक्सपी जो पोर्टल है या ट्रैवल एक्सपी का चैनल है दैट इज बीन ओन बाय द सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी और फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है उन लोगों का चैनल है फॉक्स लाइफ दिस आर द स्पेसिफिक चैनल व्हिच फोकसेस ओनली ऑन द कुकिंग या तो लाइफस्टाइल है ना बाकी कोई चैनल है जिसके ऊपर एक कुकिंग शो आ गया दो कुकिंग शो आ गया तो मैं उनको नहीं गिन रहा हूँ खाली स्पेसिफिकली जो 24 आवर्स डेडिकेटेड इसी चीज के लिए बनी हुई है खाली मैंने वैसे केसेस ही लिए हैं बिकॉज एग्जाम में ज्यादातर इसी में से कुछ पूछा जाता है चलिए नेक्स्ट मोस्ट कॉमन तो चांसेस ये रहते हैं संजीव कपूर वाले चैनल का और 50% से 60% बच्चे खाना खजाना करके आ जाते हैं फूड की जगह पर So be very careful when you do that. Next, अब next जो है ये famous cheese types है. इसमें क्या याद रखने का? इसमें सच में याद रखने का होता है, because ये लोग again in past 4 to 5 years, if you will see the paper, twice they have asked the question based on the cheese के ऊपर दो बार question पूछ चुके हैं. Which among the following is the famous brand of cheese? है ना? अब कुछ भी आ सकता है मोजरेला फेटा चेडर आ गया या गौडा आ गया तो ठीक है लेकिन अगर मॉन्टेरी जैक आ गया तो क्या करोगे है ना फिर ऑप्शंस भी ऐसे देते हैं इट इज अ फेमस फिर बताएंगे फेमस एपरल ब्रांड है ये लिखा होगा कि मॉन्टेरी जैक क्या है तो फिर ऑप्शन में होंगे फेमस एपरल ब्रांड फिर बताया होगा फेमस फुटवेयर ब्रांड इट इज अ फेमस वाइन ब्रांड फिर लिखा होगा फेमस बियर ब्रांड या तो फिर होगा फेमस चीज है ना तो कुछ वाइन करके आते हैं कुछ को एप्रल्स याद आते हैं हाँ हाँ इसके जो टी शर्ट मैंने पहने हुए है करके तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सच में सो प्लीज गो थ्रू दिस एंटायर लिस्ट और ये भी आपको याद रखनी है ट्रस्ट मी ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा आप पूरा YouTube छान के देख लो दिस यू विल नॉट गेट एनीवेयर जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ
सो इफ यू हैव फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर होटल मैनेजमेंट प्लीज शेयर इट विद देम. ऐसा मत सोचो कि उसको भी आ जाएगा, वो भी मार्क ले आएगा. सारे बच्चे एक साथ पास हो जाओ, उससे बढ़िया क्या होता है, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट में मैं आपको फेमस शेफ, उनके वेबसाइट्स और उनकी जो कुकिंग स्टाइल है उस पर बात कर रहा हूँ. मैंने काफी सारे लोगों का एजुकेशन भी लिखा हुआ है, करेक्ट? सो वी विल स्टार्ट विद दी संजीव कपूर, हु इज दी मोस्ट मोस्ट फेमस. उनका जो वेबसाइट है दैट इज संजीव कपूर .com. इनका कुकिंग स्टाइल है इंडियन और एजुकेशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है. फिर मधुर जाफरी, उनका भी कुकिंग स्टाइल है दैट इज कुजिन्स ऑफ इंडिया. फिर हमारे पास है जैकब सहाय कुमार अरुणी, ये साउथ इंडियन कुजीन के स्पेशलिस्ट है. डिग्री इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी है इनके पास एंड शेफ जैकब .in जो है वो इनका वेबसाइट है. देन तरला दलाल, आई वुड रेट हर एज दी फर्स्ट ट्रू 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 सेंस सेलिब्रिटी शेफ ऑफ इंडिया. जब आपके पास खाली है ना, खाली प्रिंट मीडियम अवेलेबल था, खाली रेसिपी बुक्स बनती थी, कोई अमूल मास्टर शेफ नहीं चल रहा था, तो किसी को पता नहीं था या कोई कुकिंग शोज नहीं चल रहे थे. एट दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज दी पॉपुलर. सो आई वुड रेट हर टू बी दी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस लिस्ट इज कंसर्न. नेक्स्ट है विकास खन्ना, अगेन कुकिंग स्टाइल इंडियन कुजीन एंड एजुकेशन. इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. इनका रेस्टोरेंट चेन भी है. एक्चुअली नेक्स्ट जो पार्ट टू इसका आऊँगा वहाँ पर मैं सब सारे जो फेमस शेफ्स हैं उनके रेस्टोरेंट चेन भी बताऊँगा. विकास खन्ना का जो रेस्टोरेंट चेन है उसका नाम है जुनून. इट इज जुनून, इट इज US बेस्ड रेस्टोरेंट चेन और जुनून नाम है उसका. संजीव कपूर सबके बताऊंगा उसमें. फिर है संजय थुमा. संजय थुमा अगेन फेमस फॉर द इंडियन कुजीन, होटल मैनेजमेंट डिग्री है और ये उनका वेबसाइट है. एंड रितु दालमिया, रितु दालमिया जो है वो अगेन दिस टाइम्स शी इज मास्टर शेफ फॉर द इटालियन कुजीन, है ना. और उनका जो वेबसाइट है दैट इज divaitalian.com. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मेजर होटल चेन्स, उनके हेड्स, उनके अंदर कौन कौन सी होटल है, प्लस द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ द शेफ्स, उनके क्या क्या रेस्टोरेंट्स है, सब बहुत जल्दी बताऊँगा. तब तक ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इसको ठीक से याद कर लीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद द अदर्स. और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए. अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखते हैं तो इट रियली अप्रिशिएट एंड मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर फॉर यू ऑल. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.